देख रहे जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी जानकारी के साथ। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ गई है। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की होगी पेशी, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि अमृतसर कोर्ट में पेश किया जाएगा और ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस दोबारा रिमांड की कर सकती है मांग, तो एक बार फिर से रिमांड की मांग की जा सकती है। पेशी को लेकर कोर्ट के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि हत्याकांड का भी आरोपी है बिश्नोई। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी होनी है। अमृतसर कोर्ट में ये पेशी देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग यहाँ पर की जा सकती है, अभी और इस मामले में पूछताछ हो सकती है। तो आपको बता रहे हैं कि कोर्ट के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की अहम भूमिका थी, जिसके चलते उसने कबूल भी किया। और आपको बता दें कि आज अमृतसर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अमृतसर से हमारे संवाददाता जजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जजवीर, जिस तरीके से आज पेशी होनी है लॉरेंस बिश्नोई की, कोर्ट के बाहर अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच और बख्तरबंद गाड़ियों में यहाँ पे कोर्ट पे अभी पेश किया गया है, जहाँ पे पुलिस जो है उनका रिमांड हासिल करेगी, क्योंकि अमृतसर पुलिस का जो रिमांड है वो खत्म हो चुका है। और इसके बाद अब जो है अलग अलग जिलों की जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट और फाजिलका पुलिस यहाँ पर पहुंची है लॉरेंस बिश्नोई का जो रिमांड हासिल करने के लिए और पूछताछ करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। चौक चौराहों पर बैरिकेड बनाकर पुलिस ने जो है वो पुलिस बल की तैनाती की है। और अभी कुछ ही देर के बाद, अभी कुछ चंद मिनटों के बाद जो है कोर्ट में पेशी के बाद अब पता चलेगा कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई को किस पुलिस को जो है वो रिमांड हासिल किया गया है, किस तरह से अब पूछताछ की जाएगी और कौन से मामले में अभी उसके पूछताछ होगी। लेकिन अगर बात करें अमृतसर पुलिस की, तो अमृतसर पुलिस ने जो है राणा कंदोवालिया कत्ल मामले में और जितनी वीआईपी को थ्रेट मिल रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, उसको लेकर पूछताछ की गई थी। और तकरीबन कह सकते हैं कि 15 दिन की लंबी पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ की गई। फिलहाल उनको खड़ा रखा गया था, जब कल देर रात उनको वापस अमृतसर लाया गया, जिसके बाद अब सुबह उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अब पुलिस जो है रिमांड हासिल करने के लिए जो है वो यहां पर कहेगी। लेकिन अब देखना होगा कि अमृतसर पुलिस को रिमांड मिलेगा या अलग जिलों के जो पुलिस आई हुई है उनको रिमांड हासिल होगा और कौन से मामलों में उनसे पूछताछ लॉरेंस बिश्नोई से की जाएगी। जी बिल्कुल, लगभग कितने दिन की रिमांड मांग सकती है पुलिस? देखिए, अगर बात करें बीते दिन ही, तो बीते दिन ही में 6 दिन का रिमांड पुलिस ने मांगा था और 5 दिन का रिमांड उनको हासिल हुआ था। उससे पहले की बात करें तो उससे पहले भी जो है पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था और उनको 8 दिन का रिमांड जो था वो हासिल हुआ था। तो ऐसे में अब लंबी पूछताछ के बाद एक बार फिर से जो है वो पुलिस रिमांड मांगेगी और लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह से अब कौन सी जिले की पुलिस को जो है वो रिमांड हासिल होगा उसको भी उसी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर लाया गया है और बख्तरबंद गाड़ियों में भारी सुरक्षा के बीच उनको यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट में पेशी के बाद अभी कुछ चंद ही मिनटों के बाद पता चलेगा कि आखिरकार कितने दिन का रिमांड और किस पुलिस को रिमांड हासिल हुआ है। जी जजबीर, जिस तरीके से लगातार धमकियों का जो सिलसिला है, अगर हरियाणा के विधायकों की बात करते हैं तो धमकियां मिल रही हैं, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, तो उसको लेकर भी आगे आने वाले समय में पूछताछ हो सकती है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो है पूरा सक्रिय है उनका गैंग, और लगातार सेट और एक्सटॉर्शन मनी जो है वो मांगने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है लगातार लोगों को फोन कॉल कर रहा है, जिसके चलते वीआईपी कई नेता ऐसे हैं जिनको धमकियां मिली हैं। तो ऐसे में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और ऐसे अन्य कई स्टेटें हैं जहां पर इनकी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो एक्टिव है। तो ऐसे में अब पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जैसे ही सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली तिहाड़ जेल से अब पंजाब लाया गया,
मानसा लाया गया, उसके बाद अमृतसर लाया गया, अब खरड़ में लगातार पूछताछ जारी थी। तो ऐसे में अब अलग अलग जिलों की पुलिस जहां पर रिमांड हासिल करने के लिए जो है वो कोर्ट में जो है वो याचिका डालेगी, लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी तो ऐसे में कई अहम खुलासे हैं, लेकिन पुलिस इन खुलासों के बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही। उनका कहना है कि ये जो है कॉन्फिडेंशियल मामला है तो अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन फिलहाल बहुत बड़े खुलासे जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने किए हैं। तो ऐसे में उन खुलासों के जरिए जो है बाकी जितने स्टेटों में और जितना पंजाब में जो गैंगवार है या कह सकते हैं कि जिस तरह से इनकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक्टिविटी जो घटनाओं को अंजाम दिया है तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं पुलिस एक मंजर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। कड़ी के साथ कड़ी जोड़कर बड़ी चेन बनाई जा रही है। तो ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आज जब उनकी पेशी होगी और पेशी के बाद अभी कुछ देर के बाद ही चंद मिनटों के बाद पता चलेगा कि किस पुलिस को जो है रिमांड हासिल हुआ। जसबीर, जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो लगातार डी कंपनी के पद चिन्हों पर काम करता है, जैसे डी कंपनी लगातार काम कर रही है अंडरवर्ल्ड, तो उसको लेकर जो इनके गुर्गे हैं उनकी भी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है क्या आने वाले समय में? बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई का देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में ही नहीं उसके अलावा भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ भी तार जुड़े हुए संकेत जो है वो पुलिस को मिला है। तो ऐसे में पुलिस बड़ी बारीकी के साथ जान छानबीन कर रही है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जो एक्टिव गैंग है यहाँ पर वो किस तरह से उन्होंने अपना जो है अलग अलग देशों में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया है और कनाडा से ऑपरेट किया जाता है। अगर बात करें गोल्डी बराड़ जिसने पूरी सिद्धू मूसेवाले कत्ल मामले को लेकर जो हत्याकांड की जिम्मेवारी ली थी और वो कनाडा में बैठा हुआ है, कनाडा के अलावा और भी कई देशों में उनके जो कुर्के हैं वो बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो अगर अपने देश की बात करें भारत में तो भारत में भी उनके कुर्के लगातार इसी तरह से जो है वो एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब लॉरेंस बिश्नोई से जैसे ही पूछताछ होगी तो कई कई लोगों की गिरफ्तारी होगी और कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि लगातार तकरीबन 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर बड़ी पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं राजस्थान से लेकर हिमाचल से लेकर पंजाब तक। तो ऐसे में दिल्ली से भी जो है लगातार इनके कुर्के जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ में संपर्क साधे हुए थे, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी भी होनी तय है। लेकिन अभी फिलहाल जो है जो जानकारी सामने आ रही है कि बड़े पैमाने पर जो है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद कोई जो है वो बड़े खुलासे हुए हैं, उन खुलासों के आधार पर ही जो बढ़िया गिरफ्तारियां अब होने जा रही हैं जिसके चलते आए दिन पुलिस जो है रेड कर रही है। तो ऐसे में अलग अलग पंजाब के अलग अलग शहरों में रेड करके इनके कुर्कों को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। जो रेकी करते थे उनको उनके बारे में जानकारी मिली है, जो इनके कहने पर शार्प शूटर को जो है वो हथियार प्रोवाइड कराते थे उनके बारे में जानकारी मिली है, उसके अलावा अन्य जानकारियां और भी प्राप्त हुई है। जी चलिए ठीक है जसबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।